हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मी राजवीर सिसोदिया। एंड गाइज, बहुत दिन पहले से मुझे एक क्वेश्चन आ रहा कि भैया आपने जो साइकिल बंद की है वो क्यों की है, आपको जो साइड इफेक्ट्स हुए थे वो क्या हुए थे वो बता दो। और दूसरा क्वेश्चन एक जो आप लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं विनोमा ऐप के बारे में, तो दोनों क्वेश्चन कवर करूँगा। तो पहले आपको छोटे मोटे शॉर्ट दिखा देता हूँ स्क्रीन के ऊपर साइड इफेक्ट के, कैसे सर्जरी होती है, साइड इफेक्ट जब हो जाते हैं कैसे, मतलब देख लो आप, अपने आप देख लो। और एक वीडियो और बनाऊंगा इसके बाद जिसके अंदर मैं बॉडी बिल्डिंग वर्सेस फिटनेस, ये आपको ऐसी वीडियो बनाऊंगा आपने किसी भी यूट्यूबर की नहीं देखी होगी, किसी भी एथलीट ने आपको बताया नहीं होगा। बट मेक श्योर आप मुझे याद दिला देना, मैं भूल जाता हूँ, कई दिनों सोच रहा हूँ वो वीडियो बनाने का। पहले मैं इस वीडियो में कवर करूँगा कि मैंने जो साइकिल बंद करी वो क्यों करी। उससे पहले जो क्वेश्चन है विनोमो ऐप के बारे में, देखो विनोमो ऐप क्या है, विनोमो ऐप एक ट्रेडिंग ऐप है जिससे आप ट्रेडिंग करके थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हो आपके एक्स्ट्रा खर्चों के लिए। इसमें आपको क्या करना होता है, सिंपली आपको विनोमो ऐप डाउनलोड करना होता है। और विनोमो ऐप को डाउनलोड करने के बाद, सो गाइस, आपने विनोमो ऐप को डाउनलोड करने के बाद सिंपली क्या करना है, विनोमो ऐप को ओपन करना है। और जब आप विनोमो ऐप ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह के ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई देने वाले रियल अकाउंट में आपको दिख रहा है 5,000 रुपीज़ है मेरे, मेक डिपॉजिट से यहाँ पे आप पैसे जमा कर सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट हमें करनी होती है तो इन्वेस्टमेंट में 3,500 रुपीज़ की कर रहा हूँ, और ये आप अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें अंदाज़ा लगाना होता है जो ग्राफ है ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मुझे ऐसे लग रहा है ग्राफ नीचे जाएगा तो मैं डाउन पे क्लिक कर रहा हूँ। आप देखिए मेरे 3,500 रुपीज़ रियल अकाउंट से इन्वेस्ट हो चुके हैं, अब हमें वेट करना है ग्राफ के नीचे जाने का। सो गाइस देखिए, जैसे मैंने अंदाज़ा लगाया था कि ग्राफ नीचे जाएगा, नीचे गया, 6,300 की हमारी अर्निंग हुई है। और ये जो हमारी अर्निंग हुई है ये रियल अकाउंट में ऐड हो गई है। अब बात आती है जो अर्निंग हुई है इसको निकाला कैसे जाए, यहाँ पे आपको 3 डॉट दिख रहे होंगे, यहाँ पे जाके आप बैलेंस पे जाइए, बैलेंस पे जाके यहाँ पे आपको विदड्रॉ फंड्स दिखाई दे रहा होगा, विदड्रॉ फंड से आप अपने पैसे निकाल सकते हैं पेटीएम अकाउंट में, बैंक अकाउंट में। और अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, यहाँ सपोर्ट आपको दिख रहा होगा, सपोर्ट पे जाके आप इनके साथ 1-to-1 चैट कर सकते हैं, और इनसे आपका जो भी क्वेश्चन है, जो भी सवाल है, आप इनसे यहाँ पे चैट करके 1-to-1 इनसे पूछ सकते हैं। सो गाइस, देखा आपने कैसे मैंने ट्रेडिंग करके थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इनकम कमा ली है, इसी तरह से आप भी ट्रेडिंग करके थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हो आपके एक्स्ट्रा खर्चों के लिए। आपने क्या करना है, सिंपली जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जो मैंने कमेंट सेक्शन में लिंक पिन किया हुआ है, उससे आपको विनोमो ऐप को डाउनलोड करना है। अगर मेरे दिए हुए लिंक से आप विनोमो ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आपको मिलेगा $1,000 का बोनस आपके डेमो अकाउंट में, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रो बन सकते हैं। प्रो बनने के बाद आप ट्रेडिंग करें और कमाएं थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इनकम आपके एक्स्ट्रा खर्चों के लिए। तो ये तो हो गई हमारी विनोमो ऐप की बात। अब बात आती है हमारी जो साइकिल हमने रोकी है वो क्यों रोकी है। देखो, अब मैं तुमको पूरे ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी बताता हूँ आपको। अब मेरे जो भाई मेरी बॉडी देखना चाहते हैं वो देखना चाहते हैं, जैसे हमारे और बहुत सारे भाई ग्रो कर रहे हैं, कॉम्पीट कर रहे हैं, जैसे हमारा अभिषेक है, अभिषेक यादव, रोहित खत्री है, तरुण गिल है, तो इनकी बॉडी बहुत अच्छी हो रखी है, और हैट्स ऑफ टू देम। अब देखो, बॉडी बनाने के लिए मेहनत तो लगती ही लगती है, कोई अगर ये बोले साइकिल लेके मेहनत बॉडी बनाई है या डब्बे खा के बॉडी बनाई, ऐसा नहीं होता है। कोई भी इंसान अगर बॉडी अच्छी लेके घूम रहा है, दैट मीन्स उसने मेहनत तो की है, चाहे वो कैसे भी शॉर्टकट यूज़ किए हो, और शॉर्टकट अगर यूज़ किए तो उस लेवल की बॉडी भी होती है। तो मेरे बहुत सारे भाई मेरी बॉडी ऐसा देखना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ उनकी बॉडी में और मेरी बॉडी में भी। ऐसी बॉडी श्रेड करने के लिए पहले एक हेल्दी लीन गेनिंग की जाती है, जिसके अंदर की आपका बॉडी फैट परसेंटेज जो होता है वो 10 से 15 के बीच में होता है, और आप मसल गेन करते हो उसमें। जैसे रोहित खत्री ने अब जो कंपटीशन की छेरु क्लासिक की तरह चल रही, उससे पहले गेनिंग की, तरुण भाई ने की, अभिषेक भी गेनिंग पर था अभी 1-1.5 महीने पहले तक, अब कटिंग पर आया, तो वो गेनिंग में और मेरी जो गेनिंग थी उस गेनिंग में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि जो ये हमारे भाई हैं इन्होंने किया मसल गेन, और मैंने जो किया था वो किया था फैट गेन। मेरी बॉडी के ऊपर मसल्स थे ही नहीं, मेरी बॉडी पे ओवरऑल फैट था, और ये जो फैट जमा हुआ ये क्यों जमा हुआ, अगर आपको मैं पूरी स्टोरी बता दूँ ना पिछले साल की, तो आप मुझे ये नहीं पूछोगे भैया बॉडी कितने दिन में बनेगी, आप मुझे ये पूछोगे भैया ज़िंदा कैसे रहे। देखो अभी मैं इसी में बैठा, मुझे पसीना आ रहा है, ये जो महीना चल रहा है ना, मैं कौन सा महीना है, जून चल रहा है शायद, जून का महीना है, और इसमें इतनी गर्मी लग रही है तुम लोगों को, सारे लोगों को इतनी गर्मी लग रही है, आपको पता ना बाहर जाने में हवा ख़राब हो जाती है, लेकिन पिछले साल इन दिनों में मेरे पास पंखा भी नहीं था। कैन यू इमेजिन कि मैंने वो टाइम कैसे काटा होगा, मेरे पास पंखा भी नहीं था इन दिनों में,
और घर पे कॉल करने के लिए, तुम्हारे हालचाल पूछने के लिए, तुम मुझे कैसे मिस कर रहे हो और मेरे यूट्यूब फैमिली का क्या हाल है, मेरी फैमिली का क्या हाल है, वो एक कॉल करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर लैंडलाइन फ़ोन होता है, तो उस एक कॉल को करने के लिए मुझे 1.5 घंटे 2 घंटे बाहर धूप में खड़ा होना होता था कि सारे लोगों के जब फ़ोन हो जाएंगे तो मेरा नंबर आएगा तो मैं बात करूँगा। तो वो जो टाइम था ना, वो इतना ज़्यादा मेरी लाइफ का बैड फेज था, इतना ज़्यादा स्ट्रगलिंग फेज था। अभी साइकिल के बारे में बात करूँगा, पहले आपको बता दूँ मैं, तो जो इतना फैट गेन हुआ, तो मुझे कई लोगों ने बोला भी कि भाई जब खाना अच्छा नहीं मिलता तो तुमने इतना वेट कैसे गेन कर लिया था 17-18 किलो ऊपर। तो वो जो गेन हुआ वो हुआ भाई नींद की दवाइयों से, क्योंकि अब देखो अगर मैं तुम्हें तुमसे फ़ोन छीन लूँ, तुम्हें टीवी ना दूँ, तुम्हारे पास पंखा नहीं है, एसी नहीं है, गर्मी इतनी है और तुम ऐसे बैठे हो, तो तुम ऐसे कितनी देर बैठ लोगे मुझे बताओ। कि ऐसे आपको बैठना है, बस बैठे रहो और वो सूखा खाना खाओ और फिर बैठे रहो, फिर सूखा खाना खाओ फिर बैठे रहो, तो कितना टाइम निकाल लोगे आप ऐसे? ट्राई करके देखना भाई, मैं चैलेंज दे रहा हूँ, एक दिन रूम में खुद को बंद कर लो और मुझे एक दिन काट के दिखा देना। और मैंने ऐसे 9 महीने काटे, और अगर हमको ये पता हो कि हमें 8 महीने काटने हैं, 9 महीने काटने हैं, तो शायद हम काट भी लें। जब हमको यही नहीं पता कि हम कितने दिन यहाँ हैं और हमें कितने दिन रहना है, कि जो लॉ है हमारा वो किस हिसाब से काम कर रहा है, बाहर क्या चल रहा है, कितने दिन में हम बाहर जाएंगे, कुछ नहीं पता। तो उस टाइम पे ना, तो क्या होता था, अंदर मेडिकल स्टोर भी होता है कि किसी की तबीयत ख़राब हो जाए दवाई मिल जाए। तो मैं ना ऐसी लड़कों को ना पैसे दे के, मैंने कहा तू तबीयत ख़राब का बहाना करके ना, वो एक दवाई आती है एंटी एलर्जी, उसके अंदर नींद होती थी, वो खा के मैं सो जाया करता था। तो उससे थोड़ा सा हॉर्मोनल डिसबैलेंस हुआ जिससे कि फैट इतना बढ़ गया, तो फैट बढ़ने का रीज़न ये था। अब हम सेप्टेम्बर में बाहर आए, नवम्बर से हमने ट्रांसफॉर्मेशन शुरू शुरू किया। तो वो फेज़ ऐसा था कि बॉडी के अंदर वीकनेस इतनी थी कि 9-10 महीने खाना अच्छा नहीं मिला, बहुत सूखा खाना, कोई घी नहीं, कोई बादाम नहीं, जो मेरी नेचुरल डाइट होती है बचपन से। फैट इतना गेन हो गया, हड्डियों में चरचर, मसल्स के अंदर ताकत नहीं, वेट लिफ्ट करने की ताकत नहीं। तो नवंबर से मैंने जिम ज्वाइन किया, नवंबर से हमने कटिंग सीरीज शुरू करी हमारी। तो उस टाइम का फेज़ ऐसा था कि मुझसे डंबल भी नहीं उठ रहे थे। जब मैं गुरुजी के पास जिम गया था तो मैं 10-10 किलो की बार से 10-10 किलो की प्लेट लगा के मैं बेंट ओवर रोइंग बैक नहीं कर पा रहा था, मैं लेट पुल डाउन नहीं कर पा रहा था। तो वो फेज़ ऐसा था कि 2 महीने 2.5 महीने लगे मुझे बैक टू वर्कआउट रूटीन पे आने में, कि मैं अच्छे से वर्कआउट कर पाऊँ। फिर हमने फेब्रवरी से साइकिल शुरू की थी, मैंने आपको अपडेट किया था कि दिसंबर एंड में मैं लाया था, लेकिन उसको मैंने यूज़ नहीं किया था क्योंकि मैं घूमने फिरने में खाने में बहुत बिजी था। और जब 10 महीने यार खाना अच्छा ना मिला हो, आप रोटी के लिए तरसे हो, घी के लिए तरसे हो, पिज्ज़ा बर्गर के लिए तरसे हो, अच्छा खाना खाने को तरसे हो, और एकदम से आप बाहर आओ, तो क्या आप डाइट कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो मुझसे अभी तक भी वो डाइट नहीं होती, कि ऐसा टाइम देख लिया कि भाई ऐसे लगता है कि किस दिन कुछ भी ऐसी चीज़ हो जाए, क्योंकि बहुत लाइफ जो है ना वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, कि आज सब कुछ ठीक है, कल पता नहीं क्या हो जाए। तो भाई मुझे अभी ऐसे लगता है कि मुझे ये जो मेरी लाइफ है इसको बहुत अच्छे से जीना है। अब देखो जैसे सिद्धू मूसेवाला है, सब कुछ अच्छा था, 1 मिनट में लाइफ ख़त्म हो गई। तो भाई लाइफ हर दिन ऐसे जियो, किसी ने कहा ये कि जैसे कि आज आखिरी दिन है, तो खाना भी है, घर वालों के पास भी रहना है, वर्कआउट भी करना, सारे काम करने। तो अब हमने साइकिल शुरू की थी फेब्रवरी से, 14 फेब्रवरी से, मुझे याद है गुरुजी ने मुझे डांटा था, तो 14 फेब्रवरी से मैंने साइकिल शुरू की थी, 14 फेब्रवरी से 14 मार्च तक। अब क्या हुआ कि भाई मैंने लास्ट ईयर मतलब 2020 में एक वीडियो बनाया था, जो मैंने अपने आपको स्टोरी सुनाई थी अपनी, मेरे स्टीरॉयड साइड इफेक्ट की, उन दिनों की जब मैंने पहली बार ट्रांसफॉर्म किया था, जब मैं मुंबई था, टीवी सीरियल्स किया करता था, कि मुझे हिप्स में एक गांठ हो गई थी जिसकी सर्जरी की नौबत आ गई थी और उसको जैसे तैसे एक डॉक्टर ने ठीक कर दिया था। तो अभी मेरी हालत दोबारा ही हो गई थी कि मैं मुझे इंजेक्शन सूट नहीं करते मेरे भाई। तो जैसे मैंने लगाया 14 फेब को, एक हफ्ते बाद मुझे वही सूजन होनी शुरू हो गई, वही पेन होना शुरू हो गया, फीवर होना शुरू हो गया। अब पेन आप कैसे रिलेट कर पाओगे, जब हमारा कोविड के हमें इंजेक्शन लगे थे, कोरोना वायरस के जो टीके लगे थे, तो उसके अंदर हम सबको बुखार हुआ था, थोड़ा थोड़ा पेन हुआ था, उस पेन का उस फीवर का 10 गुना लगा लो, वो हालत मेरी होती थी फेब्रवरी में। तो मतलब जैसे आज मैंने इंजेक्शन लगाया तो 7 दिन के लिए मैं बेड पे लेट गया, तो दर्द है, मैं जब यहाँ पे दर्द है, मैं स्क्वाच कैसे लगाऊँ, बैठूँ कैसे, ये पूरा मेरा हिप सूजा हुआ है। फिर किसी ने बोला ब्रांड गलत आ गया है, ब्रांड दूसरा लो, थोड़ा लाइट ब्रांड लो, फिर ब्रांड चेंज किया, एक हफ्ते बाद उठा, फिर हल्का हल्का वर्कआउट करना शुरू किया, फिर ब्रांड दूसरा लगाया, फिर वही हालत, फिर तीसरा ब्रांड लगाया, फिर वही हालत। तो मेरा 1.5 महीना साइकिल यूज़ करने में, ब्रांड समझने में ख़राब हो गया, कि ये ब्रांड लगाऊँ, ये ब्रांड लगाऊँ, ये ब्रांड लगाऊँ, जो भी लगाऊँ फीवर, जो भी लगाऊँ फीवर, सूजन, सर दर्द, और उठ ही ना पाऊँ बेड से। उसके बाद
किसी ने मुझे बोला कि हिप्स में प्रॉब्लम है तो शोल्डर्स में लगा लो। अभी आजकल क्या चल रहा है ये मुझे भाई, अब कहते हैं ना हर चीज़ करने के बाद पता लगती है, तो मुझे मेरे एक एथलीट भाई ने बताया कि हम शोल्डर्स पे भी इंजेक्शंस लगा लेते हैं, और जैसे आप देख रहे हो बहुत सारे हमारे एथलीट भाई हैं, सबका मुझे पता नहीं बट कुछ यहाँ पर भी लेते हैं, तो उनके आपको शोल्डर्स में बहुत बड़ी राउंडनेस दिखती होगी क्योंकि आधे तो मसल्स होते हैं और आधी इंजेक्शन की सूजन होती है, जिसकी वजह से शोल्डर बहुत ब्रॉड दिखते हैं, गोल गोल दिखते हैं, और जब वो ऐसे फ्लेक्स करते हैं तो आपको लगता है वाह क्या शोल्डर की राउंडनेस है। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ एथलीट करते हैं, कुछ नहीं भी करते, उनकी मेहनत के होते हैं, कुछ लोगों के शोल्डर तो अच्छे हैं लेकिन साथ में इंजेक्शन की सूजन भी है जिसकी वजह से शोल्डर बहुत ज़्यादा राउंड दिखते हैं। तो मैंने भी शोल्डर में ट्राई करा, आप साइड में वीडियो देख लो, मैंने ट्राई करा भाई, पहले तो ब्लडी ब्लड, वो ब्लड देख के मैं डर गया, उसके बाद फिर क्या नाम है मेरे हाथ ही सीधे ना हो, जब हिप्स इतनी बड़ी मसल है वहाँ लग रहा है इंजेक्शन वो सीधा नहीं हो पा रहा, तो ये शोल्डर की मसल तो बहुत छोटी सी है, यहाँ लगा मेरा एक एक हफ्ते के लिए हाथ ही ना उठे। मैं गुरुजी के जिम में गया था तो मैंने एक दोबारा आपको वीडियो आपने देखे होंगे तो मैंने उसमें बोला हुआ सर गुरुजी मेरे हाथ नहीं उठ रहे, मतलब इधर का दर्द ठीक है तो इधर दर्द है तो इधर वाला हाथ ही काम नहीं कर रहा। मैं हो गया भाई फ्रस्ट्रेट, मैं हो गया परेशान, मैंने कर दी साइकिल बंद। मैंने कहा भाई जैसे भी है थोड़ा सा नेचुरल कर लेंगे या उस फेज़ पर जाके कि मुझे ऐसे लगेगा मैं फिट हो चुका हूँ ऑलमोस्ट 90%, 10% की और ज़रूरत है, तो मैं हिम्मत करके दोबारा साइकिल यूज़ करके 15-20-25 दिन की या एक महीने की एट दी एंड फिनिशिंग के लिए ले लूँगा, बट अभी फ़िलहाल के क्योंकि मैं वर्कआउट नहीं कर पा रहा था। मेन प्रॉब्लम ये है कि मैं वर्कआउट करने में अनेबल हो रहा था, मेरे से वर्कआउट हो ही नहीं रहा था, यहाँ दर्द है, दोनों हाथ ही ऐसे हो गए, तो मैं बैक कैसे करूँ, चेस्ट कैसे करूँ, जब शोल्डर ही नहीं हिल रहा बिल्कुल, यहाँ पे ऐसे हो रहा कि ये बिल्कुल फिक्स है, हिप्स सूजे पड़े हैं, फीवर हो रहा है, तो वर्कआउट कैसे करूँ। तो मैंने कहा एटलीस्ट मेरा वर्कआउट होता रहे तब तक के लिए हम साइकिल बंद कर देते हैं, साइकिल का यूज़ करेंगे ही नहीं, भाड़ में गई साइकिल, अब हम कुछ दिन नेचुरल करेंगे। दूसरी चीज़, अब आधे लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, एक बहुत बड़े बॉडी बिल्डर की आपको सर्जरी दिखाता हूँ, ये आपको स्क्रीन पर फोटो दिख रही होगी, ये क्या है, ये जो हिप है ना यहाँ पे जैसे इंजेक्शन लगते हैं तो इंजेक्शन ऑयल बेस होते हैं, वो बहुत जल्दी क्या बोलते हैं उसको घुलते नहीं हैं, मिक्स नहीं होते ब्लड के साथ, तो यहाँ गांठें बन जाती हैं, उन गांठों के ऊपर दोबारा दोबारा इंजेक्शन लग जाए ना तो यहाँ पे पस पड़ना शुरू हो जाता है, जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ सर्जरी है। तो उसको जैसे आपने कभी मार्केट गए हो मस्क मेलन मतलब कि खरबूजा या वाटर मेलन मतलब कि तरबूजा खरीदा होगा, तो वो टेस्ट कैसे करवाते हैं, ऐसे काट के ऐसे फांक निकालते एक छोटी सी, फिर कहते हैं मैडम जी चेक कर लो मीठा है या नहीं, मीठा ना हो तो मत लेना। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे करके ट्रायंगल बना के उस गांठ को निकाला जाता है ताकि आपकी आपका पिछवाड़ा ठीक हो जाए। तो मैं ये जो फोटो दिखाई बहुत बड़े बॉडी बिल्डर की है जिनका नाम है, आजा 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 मैं आजा 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 लोगों को पता आजा इधर आ इधर। तो वो बॉडी बिल्डर हैं भाई साहब हमारे ये। अब क्या होता है जैसे कि मैं बार बार समझाता हूँ, कभी भी कोई पहली चीज़ तो साइकिल वाइकिल मेरे भाई लेने का सोचने मत, ये इसकी फोटो है, इसका पिछवाड़ा कटा पड़ा है, डॉक्टर ने ऐसे काट के निकाली है वो गांठ। अब हुआ क्या भैया, हम अंदर थे, ये हो गया मेरा छोटा भाई आदेश हो गया जिसकी डेथ हो गई, इसका भी मैं कवर करूँगा किसी दिन। मेरे पीछे से अगर मैं बाहर हूँ तो ना तो आदेश की जान जाए ना इसका ऑपरेशन हो, और एक मेरा भाई और है उसका भी हुआ है, तो मतलब ये मेरे अंडर करते हैं थोड़ा सा। अब जब जो करवाता है वो ही नहीं रहा तो ये किसी और की गाइडेंस में पहुंच गए कि भैया हमें पतला होना है एप्स बनाने, इसको किसी ने बहका दिया कुछ उल्टा सीधा सामान दिला दिया, इसने 2-4-6 दिन इंजेक्शन लगाए उसके बाद गांठ हुई तो फिर जो ऑपरेशन हुआ तो वो इसका है। कैसे हुआ था भैया बता दे। वो हुआ ऐसे था कि भाई इंजेक्शन चल रहे थे, हाँ 4-5 दिन लगे तो थोड़ी बहुत सोरने साल लगी वहीं पर, स्वेलिंग लगी, तो मैं इग्नोर करता रहा, मैंने कहा चलो ठीक है, मैं उसको एड्स मार रहा कुछ मार रहा, तो एक दिन वो पकता फिर वो थर्मोफोम क्रीम आती है, मैंने वो लगाई, आइसिंग करी, जो जो मतलब जैसे बताया जा रहा था कि घाटे से घुलेगी, मैं सब कुछ करता रहा भाई, कुछ आराम भी ना हो। एक दिन क्या हुआ, मैं वर्कआउट करके आया, मैं सो रहा था, और जैसे मैं सो के उठा ना तो मैंने ऐसे हल्का सा हाथ लगा देखा गांठ कैसे, एकदम से ना मेरे को लगा ब्लड, अब मैं कह रहा ये क्या है, और मैंने देखा तो भाई पूरी चद्दर पर ब्लड ही ब्लड, अब मैं डर गया, अब मैंने कहा क्या करूँ, आप बिन थे देख रहे हैं मोटा सा सारी साइकिल चला रखी है, फिर अब मैंने कहा आप भी नहीं हो क्या करूं, क्योंकि अब फिर मैं गया डॉक्टर के पास, अब भाई जैसे मैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर की फट गई, क्या भाई ये क्या है इसका कोई इलाज नहीं है, फोर्टिस पहुंचो, मतलब कोई भी हमारे आसपास है ना फोर्टिस जाओ भाई, इसका तो ऑपरेशन इलाज होगा, ये होगा वो होगा, 4 दिन रखेंगे तुम्हें टेस्ट होंगे। अब मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा क्या करूं, फिर मैंने एक लोकल डॉक्टर का नंबर लिया, वो यहीं पे थे, वो सर्जरी करते हैं, फिर मैं गया, उन्होंने भाई साहब बेहोश मतलब वो वहाँ पे उस पोर्शन पे सुन करा, मतलब सुन के बाद भी ना भाई वो सर्जरी का दर्द ऐसा था ना, मैं सही बता रहा हूँ, भगवान कोई ना उसे फेस करे।
तो अभी ये जो नहीं करता है वर्कआउट, ये इसी वजह से नहीं करता। ये रीजन है भाई, क्योंकि मैंने कहा था ना भाई के चैनल पे आएगा, हाँ, तो भाई ये रीजन है। अभी मेरी दवाई चली, डॉक्टर ने मना कर रखा, मना करा हुआ है। तो अब चलो ठीक है, हो गया। चलो तो ये जो कट वाली बात थी ना, ये मेरे साथ भी हुई थी 5 साल पहले 6 साल पहले, बट मेरी नौबत नहीं आई आई थी। कहोगे तो भाई खोल के भी दिखा दूंगा, बट इतना रो चलना ठीक नहीं है, मुझे कोई कटवट नहीं है पीछे। तो अभी फिर से ये नौबत ना आ जाए कि मैं, दिस वॉज द रीज़न कि मैंने बंद कर दिया। दूसरा आदेश, मेरा छोटा भाई चला गया भाई दुनिया छोड़ के, तो वो भी चीज़ें हैं कि डर। खैर मैंने कभी ऐसी, कभी मैं इस लेवल पर नहीं पहुंचा, ना मुझे ऐसी बॉडी बनानी है उस लेवल की कि मैं ये चीज़ समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मुझे उस लेवल की बॉडी नहीं बनानी कि मुझे उस लेवल के स्टीरॉइड्स लेने पड़े। मैंने उतने कभी लिए भी नहीं, बट स्टिल थोड़ा सा डर लगता है। आपको भी डरना चाहिए, किसी भी गलत गाइडेंस में मत जाओ। अगर किसी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर के अंदर ट्रेन कर रहे हो, किसी अगर किसी अच्छे प्रोफेशनल कोच के अंदर ट्रेन कर रहे हो, किसी तरह का आपको साइकिल यूज करना पड़ रहा है, आप कोई फिल्मों में जाने वाले हो, आप कोई टीवी सीरियल करने वाले हो, आप कोई मॉडल हो, या आप कोई एथलीट हो, तो ये कर रहे हो तो समझ में आता है। अदरवाइज डोंट गो फॉर साइकिल। जितना मैं आपके सामने बैठा हूँ भाई, मेरी बहुत कोई खास बॉडी नहीं है, मैं कोई बहुत तुर्रम खा नहीं हूँ, बट हिंदुस्तान में 200 करोड़ लोगों से अच्छा हूँ। अभी जितनी मेरी बॉडी है आपको दिख रही होगी, ये नेचुरली बहुत ईजिली अचीवेबल है। अभी मैं इतना गंदा नहीं दिखता हूँ जितना मैं आपसे 4 महीने पहले दिख रहा था। तो ये अगर आप ये देख रहे हैं कि राजवीर भाई जितनी भी हो जाए, तो मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि जितना मैं आपके सामने बैठा हूँ ना, बहुत ज़्यादा नहीं हूँ, बहुत कम भी नहीं हूँ, बट इतनी बॉडी आप नेचुरली बहुत आराम से बना सकते हो। मैं भी नेचुरली जा रहा हूँ, धीरे धीरे जा रहा हूँ, कछुआ चाल चल रहा हूँ। और जब मुझे ऐसे लगेगा कि बस 10% का काम रह गया, 10% बॉडी फैट नहीं, 10% एज इन की बॉडी 90% हो चुकी है, अब इसको फिनिशिंग करने की ज़रूरत है, तो मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ मैं फिर से साइकिल चलाऊँगा, क्योंकि मुझे एक सॉन्ग देना है और बहुत मेरा ड्रीम है वो सॉन्ग रिलीज़ करने का, उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे वो करना है, तो तब मैं चलाऊँगा 1 महीने के लिए लास्ट में। अभी जो सब कुछ चल रहा है वो नेचुरल चल रहा है। तो जो मेरे भाई कुछ गलत कमेंट करते हैं कि तेरे से बॉडी ना बन रही, भाई ना बन रही, बनानी भी नहीं है, मरना नहीं है, बन 1 साल में बन जाएगी, 1 में नहीं बनेगी, 2 में बन जाएगी, जिंदा रहेंगे तो भाई 4 में भी बना लेंगे। और दूसरी चीज़, जो मेरे भाई कंपेयर करते हैं, भाई उसकी बॉडी देख, भाई बॉडी मत देखा करो। जिसके साथ आप मुझे कंपेयर करते हो, मेरा और उसका बैंक बैलेंस मैच कर लेना, ठीक है। तो पैसा कमाना इस एज में बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। पैसा कम जाए बॉडी कभी भी बन जाती है, पैसा है तो बॉडी कभी भी बन जाएगी, बट बॉडी है और पैसा आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं, ठीक है। तो बहुत सारे हमारे हिंदुस्तान में भाई एथलीट बहुत तगड़ी बॉडी लेके ऐसे घूम रहे हैं, जिनके पास अगले प्रेप की तैयारी के पैसे भी नहीं है। बहुत सारे भगवान की दुआ से अच्छा कर रहे हैं, पैसा भी अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे एथलीट ऐसे हैं जिनकी बॉडी बहुत अच्छी है, लेकिन बॉडी कुछ भी नहीं दे रही है, उनके पास अगली प्रेप के लिए तैयारी करने को पैसे भी नहीं है। तो भाई मेरी बॉडी को कंपेयर करने की किसी ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने ब्लड टेस्ट वाली वीडियो में बोला था कि मैं मेरी बॉडी से खुश होता हूँ, मैं पिछले 2 महीने के रिजल्ट देखता हूँ अपने, कि मैं 4 महीने पहले कैसा था, 2 महीने पहले कैसा था, आज कैसा हूँ, और अगले आने वाले 2 महीने में 3 महीने में मैं कैसा दिखने वाला हूँ, वो मैं जानता हूँ। तो मुझे किसी तरह की कंपैरिजन की ज़रूरत नहीं है। आप भी स्मार्ट बनो, आप भी किसी को देख के बावले मत हो, क्योंकि ये जो आप देख रहे हो इस सब में लोचा है मेरे भाई। वो मैं आपको दिखाऊंगा, पूरी साइकिल दिखाऊंगा आपको एक वीडियो में, नाम तो नहीं बताऊंगा बट पूरी साइकिल दिखाऊंगा। बॉडी बिल्डिंग वर्सेस फिटनेस, फिटनेस ये है, और बॉडी बिल्डिंग तो तुम्हें पता ही है क्या है, ये बड़े बड़े शोल्डर, ये ट्रैप्स, ये बड़े बड़े लेग्स, तो भाई उसमें जान का भी खतरा है, मर भी सकते हो अगर आपको ज्ञान नहीं है। अगर आप किसी घोंचू कोच के अंडर हो तो आपकी जान भी जा सकती है। दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू टेल यू। ईमानदारी से सारी चीज़ सच बतानी थी। पीछे सूट नहीं हुए, शोल्डर में लगाए शोल्डर में सूट नहीं हुए, पीछे लगाया तो पीछे सुन्न हो गया, उठना बैठना ख़त्म, यहाँ लगाया तो यहाँ ख़त्म, ये हाथ उठना बंद। तो भाई मैंने साइकिल बंद कर दी, और अभी और खींचूंगा, 1.5 महीना और खींचूंगा इसको नेचुरली जितना जाएगा। उसके बाद हम जो मेरे सॉन्ग का वेट कर रहे हैं, मेरे भाई आ जाएगा जल्दी यार, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ। नेचुरली जा रहे हैं तो टाइम लगता है थोड़ा सा। तो यही है भाई, आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा किसी तरह की कोई साइकिल के चक्कर में ना जाए, क्योंकि एक भाई हमारा जा चुका है, एक का देखो ऑपरेशन हो चुका है, इसने बता दी ईमानदारी से, गट सही होते हैं बताने को यार दुनिया को। इसने कहा भैया मेरी फ़ोटो दिखा देना आप सर्जरी की, कोई बात नहीं,
जैसे मैं जिस एज में हूँ मेरी एज के भाई समझेंगे तो उनको समझ में आएगा। और तो परेशान है भाई। हाँ, और इसको आज तक दर्द रहता है मेरे भाई। कितने महीने हो गए? 7-8 महीने हो गए सर्जरी। एक साल होने जा रहा है इसकी सर्जरी। जुलाई में हुआ था, तो जब तक मेरे हाथ में था बिल्कुल ठीक था, हाथ से अलग हटा, सर्जरी हो गई। वो मेरा दूसरा भाई जब तक मेरे हाथ में था ठीक था, हाथ से हटा, पता नहीं क्या क्या लेना शुरू करा, डेथ ही हो गई। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है मेरे भाई, गलत चीज़ मत कुछ भी बॉडी में डालना। लाइफ एक ही है, जिंदे रहे कमाते रहे तो बॉडी फिर बन जाएगी, लेकिन लाइफ ही नहीं रही या कोई बॉडी पार्ट खराब हो गया, पैरालाइज्ड हो गए, तो सारी ज़िंदगी ख़राब हो जानी है। तो ये मेरा मैसेज था, इसलिए मैं आपको अपनी साइड इफ़ेक्ट का सच बता रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि ऐसा भी होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आगे और ऐसे वीडियोज़ बनाऊँगा आपको अवेयर करने के लिए। एक वीडियो बनाऊँगा जिसके अंदर पूरी साइकिल दिखाऊँगा कि एक एथलीट बॉडी बनाने के लिए, जो तुमको ऐसा लगता है ना ऐसी ही बन गई, एक एथलीट क्या क्या लेता है, ये टेबल भर जाएगी पूरी। डाइट से अलग, डाइट से अलग, सामान सामान, तब जाके उस लेवल की बॉडी बनती कि वो स्टेज कम्पीट कर पाए। कुछ लोग मेरे भाई बेचारे अच्छे होते हैं, वो बता देते हैं कि हम यूज़ करते हैं, कुछ कह देते हैं कि हम नेचुरल हैं, वो ठीक है उनकी मर्जी है क्यों कहते हैं पता नहीं। बट अपनी एक खिलाड़ी, एक एथलीट अपनी लाइफ के साथ खेल जाता है स्टेज कॉम्पीट करने के लिए, तो वो उनका पैशन, उनका गेम है। हमारा ये गेम नहीं है, ना ही हमारी वो लाइन है, ना ही हमको वहाँ जाना है, तो हम अपनी जान के साथ नहीं खेलेंगे भाई। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब जिसका जो काम है, सोल्जर जो बॉर्डर पे हैं, वो भी तो जान से खेल रहे हैं, हम तो नहीं खेल रहे ना, हम फौजी नहीं हैं। कभी हमको देश के काम आना पड़ा तो आएंगे, लेकिन अभी हमारा जब काम ही नहीं, तो हम क्यों अब किसी की गोली के सामने खड़े हो जाएं, जाके ले हमको गोली मार, बेवकूफ़ी है ना। फौजियों का काम है, वो देश की सेवा कर रहे हैं, उनका पैशन है, दैट्स वाई वो आर्मी में गए। अब कोई डॉक्टर जाके तो बॉर्डर पे खड़ा नहीं हो सकता ना, कोई इंजीनियर जाके बॉर्डर पे खड़ा नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो डॉक्टर है, सोल्जर सोल्जर है, डॉक्टर डॉक्टर है, तो दोनों की लाइन अलग है ना भाई। तो एथलीट की लाइन अलग है, तुम्हारी और मेरी लाइन अलग है। हमको अच्छा दिखना है, हमको अच्छी पर्सनालिटी चाहिए, हमको अच्छी फिट बॉडी चाहिए, स्टेज वाली बॉडी नहीं चाहिए जिसके लिए हम अपनी जान से खेल जाएं। तो धीरे धीरे चलो, नेचुरल चलो, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। कार्डियो अच्छा करो, डाइट अच्छी रखो, सब ठीक होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और किसी को देख के मैं सोचो इसके जैसी बनाऊंगा, अपनी बेस्ट बनाऊंगा, बात खत्म। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो, फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन मैं पड़ो चक्कर में, कोई भी ना है टक्कर में, इतनी बॉडी नेचुरली बहुत आराम से बन जाएगी। ठीक है।